हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नोके C20 प्लस फीचर्स के बारे में और इस फोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है और लास्ट में जानेंगे इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। और गाइस, इस फोन का बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे बाय लिंक से आप खरीद सकते हो। नोकिया C20 प्लस, इस फोन के अंदर जो हमें प्राइस देखने को मिलता है, इंडिया में एक 2GB वेरिएंट का रैम मिलता है और एक 3GB का रैम मिलता है। 2GB का रैम का प्राइस है गाइस आपको 8,990 मतलब 9,000, और जो आपको 3GB का रैम उसका 10,000 मिलता है। और गाइस 10,000 के हिसाब से गाइस इस फोन के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलता है और डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, सबसे पहले एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और ऑफ बिग डिस्प्ले 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है फॉर HD प्लस नॉट फॉर फुल HD प्लस, और उसको बी नॉच दिया गया है इस फोन के अंदर। डिस्प्ले का क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट अच्छा क्वालिटी इसमें यूज़ किया गया, अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, उतना भी ख़राब डिस्प्ले नहीं है। और गाइस इस फोन के अंदर नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फिर अमेजिंग फीचर्स है गाइस इस फोन का प्रोसेसर। हाँ गाइस, इस फोन का प्रोसेसर जो हमें देखने के लिए मिलता है एक यूनिसो का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, फॉर नया प्रोसेसर है नॉट फॉर ओल्ड, एक मीडियाटेक का प्रोसेसर भी नहीं है और एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी नहीं है। एक है गाइस नया प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ है यूनिसो का, एक माइक्रोमैक्स का फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है जो प्रोसेसर, वो इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है एक यूनिसो का, नॉट फॉर बेस्ट और नॉट फॉर गुड, आप बोल सकते हो एवरेज है गाइस। और इस फोन का बैटरी के बारे में बात करूँ तो फिर एक बड़ा बैटरी देखने के लिए मिलता है, एक 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है जो आपको इजीली 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देता है फ़ोन। और कोई बात नहीं गाइस, आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है और इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस फोन का कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट इसमें जो हमें कैमरा देखने के लिए मिलता है इस फोन का प्राइस की सबसे एक डुअल कैमरा देखने के लिए मिलता है, और फोटोज़ एज ए गुड नॉट फॉर बैड, गुड क्वालिटी का फोटोज़ दे सकता है गाइस ये फ़ोन। और ऑलरेडी गाइस नोकिया का फ़ोन फोटोज़ वगैरह अच्छे क्लिक करता है, और आपको मेन कैमरा जो मिलता है 8MP का मिलता है और गाइस इसके साथ 2MP के डेप्थ कैमरा देखने के लिए मिलता है। कैमरे के मामले में हिडन फीचर्स देखने के लिए मिलता है गाइस, जैसे हेड शॉट्स एंड परफेक्ट गाइस शॉट्स ले सकते हो इस फोन के अंदर। और गाइस इस फोन का सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो फिर एक 5MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, और गाइस इस फोन का सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी में यूज़ किया गया है, नॉट फॉर बैड। और गाइस इस फोन का सबसे अमेजिंग फ्यूचर से गाइस इस फोन का बिल्ड क्वालिटी, इसमें जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में गाइस ये फ़ोन टेस्ट किया गया है और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसमें यूज़ किया गया है, आप इसको लॉन्ग टाइम में तक यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन को, आप कोई ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हो एक लॉन्ग टाइम तक चले और गाइस आपको नॉर्मल वगैरह यूजेस करना है तो भी इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। और गाइस इस फ़ोन के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो मिलता है गाइस, एक चार्जर मिलता है और जेली केस मिलता है और माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है, और गाइस एक यूज़र गाइड मिलता है जो आपको फ़ोन में क्या क्या है उसमें लेकर रहता है। और गाइस नोकिया एक ऐसा ब्रांड है गाइस जो एक लॉन्ग टाइम तक अच्छा परफॉर्म करता है स्मार्टफोन। और गाइस इस फोन का कनेक्टिविटी के मामले में गाइस एक 4G फोन है नॉट फॉर 5G, एक इस फोन के अंदर एक टाइप सी नहीं है, फॉर यूएसबी डाटा केबल है 2.0 और गाइस GSP वगैरह इस फोन के अंदर है। और गाइस इस फोन के अंदर स्पेशली 1 ईयर का हमें रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाता है। हाँ गाइस, आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर इस फोन को अंदर 1 ईयर के अंदर आपको ठीक कर सकते हो। और गाइस इस फोन के अंदर हमें स्पेशली जो हमें हिडन फीचर देखने को मिलता है एक एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से गाइस एक ऐसा इस बजट स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है, एक बड़ा हिडन फीचर होता है। और गाइस एंड्रॉयड 1 के अंदर मैं स्पेशली बोलूँ तो फिर एक क्लीन स्टॉक मिलता है, आपको डे टू डे अपडेट मिलते रहेंगे इस फोन के अंदर। और गाइस और मल्टीटास्किंग के बारे में बात करूँ तो फिर अच्छा खासा आप स्मूथली वर्क कर सकते हो इस फोन के अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा हाई परफॉर्म वाला गेम नहीं कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा अच्छा खासा मल्टीटास्किंग कर सकते हो, क्योंकि इसका जो हमें स्टॉक मिलता है एंड्रॉइड स्टॉक मिलता है, डे टू डे अपडेट मिलता है, तो फिर गाइस इस फोन का जो हमें इंटरफेस मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके साथ एंड्रॉइड 1 के अंदर हमें कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलती है। और गाइस इस फोन का सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो फिर इस सेंसर्स के मामले में इस फोन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक सेंसर मिसिंग है, मैं आपको फिर से बोलूँगा एक गाइस आयर ब्लास्टर सेंसर मिसिंग है, इसके अलावा सारे सेंसर्स इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। इस फोन
के अंदर हिडन फीचर के बारे में बात करते हुए, एक लाइट सेंसर मिलता है, नोटिफिकेशन लाइट सेंसर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है गाइस। आप बात करते हैं गाइस नेक्स्ट फाइनल आंसर गाइस, इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर गाइस आप ऐसे एक डिवाइस ढूंढ रहे हो जो अब सिर्फ आपको कॉल वगैरह करना है, वो आपका गेम वगैरह नहीं खेलना है, तो फिर गाइस इस फोन को परचेस कर सकते हो। तो फिर आपको इसमें, क्योंकि इसमें बैटरी भी काफ़ी मिल जाता है और गाइस इसका यूआई भी काफ़ी अच्छा है, और गाइस इस फोन को लेने के लिए आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस फोन को बाय कर सकते हो। और गाइस इस फोन को आप, मैं स्पेशली बोलूँगा गाइस इस फोन को नहीं खरीदिए, क्योंकि इस फोन के अंदर ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता है। आप मेरे हिसाब से गाइस इस फोन को आप टेक्नो पोवा खरीद सकते हो, टेक्नो पोवा 2 गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और गाइस नहीं तो आप एक शाओमी का फ़ोन खरीद सकते हो जो आप बेहतर मिलता है।